हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे ब्लैक करंट आइसक्रीम एकदम मार्केट स्टाइल में। आप देख सकते हैं लुक वाइज ये एकदम मार्केट वाले आइसक्रीम जैसा ही दिख रहा है और इसका टेस्ट भी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आप कुछ डिफरेंट और नया ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ये ब्लैक करंट आइसक्रीम घर पर ज़रूर बनाकर देखिए। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम खर्च में ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो ऐसे टेस्टी यम्मी ब्लैक करंट आइसक्रीम के लिए मैंने लिया है 1 कप 250 ml फुल फैट मिल्क और यह है GMS पाउडर, ये 1 टेबलस्पून है। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद मिल्क पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून है। आपको मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद CMC पाउडर, ये भी किसी भी ग्रोसरी शॉप में इजीली अवेलेबल होता है और इसे हमें यूज़ करना है 1/8 स्पून। अगर आपके पास स्पून नहीं है तो आप 2 पिंच इस तरीके से ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून शक्कर, शक्कर भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है क्योंकि इसमें हम लोग ब्लैक करंट क्रश भी डालेंगे। और 1 टीस्पून कॉर्न फ्लोर है छोटे वाले चम्मच से। उसके बाद सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना हो। उसके बाद इसको गैस के ऊपर रख कर इस तरीके से मिक्स करते हुए 1 उबाल आते तक पकाएंगे। 1 उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम स्लो करके अराउंड 30 सेकेंड तक पकाएंगे। उसके बाद इसे नीचे उतार कर ठंडा करना है। ठंडा करते समय भी मिक्स करते हुए ठंडा करना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से, उसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में ढक कर रख देंगे। अब हम बनाएंगे ब्लैक करंट क्रश। उसके लिए मैंने काले अंगूर लिया है, उसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके अभी मैं तोड़ के मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। ये अराउंड 250 ग्राम है, डालकर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा दरदराई है। उसके बाद मैं इनको डाल रही हूँ एक सॉस पैन में। तो मैं इसको कप से काउंट कर रही हूँ, ये मेजरिंग कप है। मेजरिंग कप से ये अराउंड 1 कप है। और अंगूर को ग्राइंड करते समय हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। और ये 1 कप है तो हम लोग 1/4 कप शक्कर लेंगे। वैसे तो ये क्रश इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है बट घर में बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अभी शक्कर डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं रखूँगी गैस के ऊपर। गैस के ऊपर रख कर इसे मिक्स करते हुए एकदम गाढ़ा होते तक हमें पकाना है। ये आइसक्रीम मैं मार्केट स्टाइल में बना रही हूँ तो क्रश भी मैं मार्केट स्टाइल में ही बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। अब कलर डालने के बाद बीच बीच में इस तरीके से मिक्स करते हुए इसे गाढ़ा होते तक पकाना है। ये क्रश बनाना बहुत ज़्यादा आसान है बट इसे अगर हम लोग मार्केट में खरीदते हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली भी मिलता है और ईजिली अवेलेबल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से काले वाले अंगूर लाकर हम लोग आराम से घर में क्रश बना सकते हैं। अब ये बन गया है, एकदम गाढ़ा पक गया है। मैं इसे निकाल रही हूँ बाउल में। निकालने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। अब ये है काले वाले किशमिश और ब्लैक करंट क्रश और थोड़ा सा फूड कलर है। तो सबसे पहले मैं काले वाले जो किशमिश है उसको पानी में डाल के भीगने के लिए रख दे रही हूँ क्योंकि इसे हम लोग आइसक्रीम में और गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा मैंने 1/4 कप फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हो, व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, कम्प्लीटली ऑप्शनल है क्रीम। उसके बाद ये है हमारा बेस। बेस एकदम अच्छे से जम गया है। मैंने अभी लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आइसक्रीम का बेस। सभी आइसक्रीम का बेस इसी तरीके से बनता है, बस हमें इसमें जो चाहे वो फ्लेवर ऐड करके आइसक्रीम बनाना रहता है। अब मैं बेस निकाल रही हूँ। निकाल कर अब इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर का यूज़ करते हुए मैं इसको अच्छे से फेटूंगी। अगर आपके पास इस तरीके से ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे मिक्सी के जार में भी फेट सकते हैं बट थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के उसको अच्छे से फेटना है। अब आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी में अच्छा हो गया है, दुगना हो गया है और एकदम हल्का हुआ है। बस हमारा ऑलमोस्ट बेस बन के रेडी है बट इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें 1/4 कप फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। इस बार मैं मार्केट वाला क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो जैसे कि मैंने बताया है दूध के ऊपर का मलाई भी यूज़ कर सकते हो या नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसको और थोड़ी देर फेंट रही हूँ ताकि ये और अच्छे से हल्का और एकदम लाइट बने। अब ये ऑलमोस्ट अच्छे से हो गया है। मैं आपको स्पून से मिक्स करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना हल्का और एकदम फ्लफी बन के रेडी है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर हटा रही हूँ। हटा के अब हम करेंगे आगे का प्रोसीजर। अब ये है हमारा वेनिला आइसक्रीम, प्लेन वेनिला आइसक्रीम। अब इसे हम बनाएंगे
ब्लैक करंट क्रश डाल के ब्लैक करंट आइसक्रीम, यहाँ पे आप जो चाहे वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, वो आइसक्रीम बना सकते हैं। अब ये है ब्लैक करंट क्रश, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, एक साथ पूरा नहीं डालना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये आइसक्रीम बनाते समय हमें बहुत ज़्यादा शक्कर भी नहीं यूज़ करना है। अभी मैं डाली हूँ भीगे हुए काले किशमिश डालकर इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा शक्कर और क्रश यूज़ करेंगे तो आइसक्रीम बहुत मीठा हो जाएगा, इसलिए क्रश आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख के थोड़ा थोड़ा डालना। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा क्रश डाल रही हूँ, डाल के इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे क्रश डालने के बाद भी आइसक्रीम में उतना अच्छा कलर नहीं आया है, तो मैं मार्केट स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर का भी यूज़ करूँगी। बट आपको नहीं पसंद है तो आप फूड कलर कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, टेस्ट तो वैसे ही रहेगा बट लुक वाइज थोड़ा सा लाइट दिखेगा। अब ये अच्छे से मिक्स की हूँ, आप देख सकते हैं कलर उतना अच्छा नहीं है, तो मैं दो ड्रॉप ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। अभी मैंने अराउंड 2 ड्रॉप्स ब्लू कलर का यूज़ किया है डालकर, अब इसे एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें एकदम अच्छे से कलर आया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एसेंस, ये है वेनिला एसेंस, क्योंकि मेरे पास ब्लैक करंट एसेंस नहीं है इसलिए मैंने वेनिला एसेंस का यूज़ किया है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, या जो आपके पास अवेलेबल है एसेंस उसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स किया है, अब इसे हम लोग डालते हैं बॉक्स में। तो आप इस तरीके से कोई भी एयरटाइट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो कांच का, या एल्युमिनियम का, या प्लास्टिक का भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने एल्युमिनियम का बॉक्स लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ आइसक्रीम को। आइसक्रीम डाल के इसको हम एक बार अच्छे से टैप करते हैं ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना हो। उसके बाद इसको क्लीन रैप या सिल्वर फॉइल से अच्छे से रैप करना है। उसके पहले मैं थोड़े से काले वाले किशमिश डाल रही हूँ, डाल के मैं इसको अच्छे से गार्निश कर रही हूँ। गार्निश करने के बाद इसे पैक करके मैं फ्रीज़र में जमने के लिए रख दूँगी रात भर या 7 से 8 घंटे के लिए। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देख सकते हैं आइसक्रीम एकदम अच्छे से जम गया है, और इसे मैंने क्लीन रैप से अच्छे से पैक किया था, वो स्किप हो गया। आप इसे फ्रीज़र में जमने के लिए रखने से पहले क्लीन रैप या सिल्वर फॉइल से पैक ज़रूर करना, वरना इसके ऊपर बर्फ जम सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा शक्कर होने से ये नहीं जम सकता है, इसलिए आप मीठा भी देखकर ज़रूर डालना। अब हमारा मार्केट स्टाइल ब्लैक करंट आइसक्रीम बनके रेडी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।